हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। दोस्तों, बच्चों में फीवर होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो फीवर है इसको आप सही तरीके से नापें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फीवर आजकल हम अलग अलग तरीकों से नापते हैं। कई लोग जो है वो मुंह से बच्चे का फीवर लेते हैं, कई लोग अंडर आर्म से लेते हैं, कई लोग फोरहेड से आजकल लेने लग गए हैं, रेक्टल से लिया जाता है, ईयर से भी बच्चे का फीवर चेक किया जाता है। और हर तरीका जो है वो आपको एक अलग बॉडी टेम्परेचर देगा, एक टेम्परेचर नहीं आएगा ये सारे तरीकों से। इसीलिए ये जाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है आप जब आप मेजर करेंगे बच्चे का फीवर, तो किस टेम्परेचर को आप फीवर कंसिडर कर सकते हैं, साथ ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप बच्चे का टेम्परेचर जो है, बच्चे का फीवर किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये फीवर होता क्या है, फीवर में बच्चे की आप केयर किस तरीके से करेंगे, और क्या वो सिग्नल्स हैं जो देख के आपको पता चलेगा कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ साथ मैं दो थर्मामीटर्स के बारे में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कि बेबी हक ब्रांड के हैं। तो सारी डिटेल वीडियो में आगे आने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, फीवर तब माना जाता है जब आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी उससे ज्यादा गर्म हो जाती है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। जो फीवर होता है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, यानी कि जब बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का वायरस इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर आ जाती है तो इम्यूनिटी सिस्टम काम करने लग जाता है। बॉडी के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इन बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से लड़ने लग जाता है, तो अंदर से जो है बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और इसकी ही वजह से फीवर हो जाता है। तो दोस्तों, बच्चे में फीवर होने के कई से रीजंस हो सकते हैं। इनमें से कुछ रीजन हैं जैसे कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर टीथिंग फेज में भी बच्चे को फीवर आ सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद भी कई बच्चों को फीवर हो सकता है, सब बच्चों को नहीं होता है, बट कई बच्चों को फीवर वैक्सीनेशन के बाद हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे को ईयर इन्फेक्शन है उसमें भी बच्चे को फीवर आ जाता है, या फिर अगर बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गई है ऐसे में भी बच्चे के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। लेकिन अब बात आती है कि पता कैसे चले कि बच्चे को फीवर है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि बच्चा जो है वो फील सही नहीं कर रहा है। जैसे कि पहली चीज़ तो है कि आपको बच्चे की बॉडी हाथ लगाने से ही गर्म लगेगी, या फिर आपको ये लग सकता है कि बच्चे का जो फीडिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया, बच्चे को ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, या फिर अगर आपको बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा दिख रहा है, बच्चा अननेसेसरी आपको लग रहा है बार बार बहुत ज़्यादा रो रहा है, या फिर बहुत लेथार्जिक हो गया है, बड़ा ही लो हो गया है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो ये सारे वो साइंस हैं जो बताते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक फील नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारे जो साइंस होते हैं ये अंदाजे होते हैं हमारे, हमें देख के लगता है हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फीवर को कंफर्म करने के लिए आप जो है फीवर चेक करेंगे थर्मामीटर से। बच्चों में फीवर चेक करने के कई से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है वो है अंडर आर्म्स के जरिए या आर्मपिट के जरिए जो है फीवर को चेक किया जाता है, जिसको एक्सिलरी वे भी बोलते हैं। जब आप अंडर आर्म से बच्चे का जो है टेम्परेचर है वो लेते हैं, तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर कम आता है दूसरे मेथड्स के मुकाबले, तो इसीलिए अंडर आर्म्स का टेम्परेचर लेते वक्त यूजुअली 1 डिग्री प्लस कर दिया जाता है जो भी जो टेम्परेचर आया है उसमें। तो जब अंडर आर्म्स में अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट आ रहा है तो उसको आप फीवर कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो 99 प्लस 1 मतलब 100 डिग्री के आसपास बच्चे का जो टेम्परेचर है वो हो सकता है। तो इसलिए अगर अंडर आर्म्स में आपको बिना कुछ जोड़े हटाए, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ कि अंडर आर्म्स में अगर आपने टेम्परेचर लिया और आपको थर्मामीटर पे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहा है तो आप इस केस में फीवर कंसिडर कर सकते हैं। जब आप अंडर आर्म या आर्मपिट से टेम्परेचर लेते हैं तो वो आप इजीली डिजिटल थर्मामीटर से जो है टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो बेबी हक का फ्लेक्सी डिजिटल थर्मामीटर है, ये काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए और इसकी जो टिप है वो सुपर फ्लेक्सिबल है और ये मेडिकल ग्रेड एक्यूरेसी के साथ आता है। साथ ही में इसमें टेम्परेचर लेना भी आसान है। आपको क्या करना है कि आपको बेबी के अंडर आर्म में ये जो बेबी हक का डिजिटल थर्मामीटर है आपको ये लगाना है और बीप आने तक वेट करना है। जैसे ही बीप की आवाज आती है आप थर्मामीटर निकाल लीजिए और जो ये छोटी सी स्क्रीन होती है इस पर आपको जो भी टेम्परेचर है वो दिख जाता है। ये वाला जो बेबी हग फ्लेक्सिबल डिजिटल थर्मामीटर है ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है और इसका प्राइस डिटेल जो है वो मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगी। इसके बाद अगला तरीका जिसके हेल्प से आप बच्चे का जो फीवर है वो चेक कर सकते हैं वो है मुंह से जो बच्चे का आप बुखार चेक करते हैं, जिसे ओरली जो होते हैं टेम्परेचर आप लेते हैं।
तो ओरल टेम्परेचर में भी यही वाला जो मैंने आपको थर्मामीटर बताया है, जो डिजिटल थर्मामीटर है, यही यूज होता है। लेकिन जो ओरल टेम्परेचर जो आप लेते हैं, जो मुंह के जरिए आप फीवर चेक करते हैं, ये यूजुअली 4 साल से ऊपर के बच्चे का आप कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मुंह से सही से फीवर नहीं चेक करवा पाते। इसलिए छोटे बच्चों के लिए दूसरे मेथड्स हैं। ओरल जो टेम्परेचर है वो आप 4 साल से बड़े बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। ओरली जो है, अगर बच्चे का टेम्परेचर आ रहा है 99.5 या उससे ऊपर, तो इसको आप फीवर कंसिडर कर सकते हैं। जब आप मुंह के जरिए बच्चे का फीवर चेक करेंगे, तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि फीवर चेक करने से आधे घंटे पहले तक बच्चे ने कुछ भी बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा ना खाया हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो बच्चे का जो टेम्परेचर है वो सही तरीके से रीड नहीं होगा। इसके बाद जो अगला तरीका है जिससे आप बच्चे का फीवर चेक कर सकते हैं, ये जो मेथड है ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जो कि है इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर के थ्रू। इससे क्या होता है, थर्मामीटर से आप इजीली फोरहेड पे लगा के बच्चे के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इन थर्मामीटर्स की बेस्ट बात यह है कि इससे टेम्परेचर रीड करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे बड़े क्रैंकी हो जाते हैं, स्पेशली जैसे वैक्सीनेशन के बाद, या बच्चों को अगर फील सही नहीं हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो बड़े क्रैंकी हो जाते हैं, रोते बहुत हैं, तो ऐसे में अंडर आर्म से जो टेम्परेचर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हिलते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बड़े इजीली इससे जो है बच्चे का टेम्परेचर रीड हो जाता है। जो थर्मामीटर मैं यूज कर रही हूँ वो है बेबी हग का 3-in-1 इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। ये थर्मामीटर क्विक रिलायबल रीडिंग देता है और साथ ही साथ इजी टू यूज है। ये एक मल्टी फंक्शनल थर्मामीटर है जो कि फोरहेड का, ईयर का और किसी भी चीज का भी टेम्परेचर ले सकता है, यानी कि आप बच्चे की बॉटल का भी टेम्परेचर इस थर्मामीटर के थ्रू यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको 3-in-1 बोला गया है। साथ ही साथ ये आता है 3 कलर टेम्परेचर इंडिकेटर्स के साथ, जो कि आपको बताता है कि फीवर नहीं है, लो फीवर है या हाई फीवर है। तो कलर कोडिंग इसमें करी हुई है, तो इसमें क्या होता है, आपको कलर रीडिंग से ही पता चल जाएगा कि बच्चे को फीवर है या नहीं है। यूजुअली जो फोरहेड वाले थर्मामीटर्स होते हैं, इसमें 99.5 के आसपास जो है ये लो ग्रेड फीवर आपको दिखाते हैं। इस थर्मामीटर को यूज करने के लिए आपको थर्मामीटर ऑन करना है और मोड सेलेक्ट करना है, यानी कि आप फोरहेड का टेम्परेचर ले रहे हैं, कान से ले रहे हैं या ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं, और बस अगर फोरहेड का ले रहे हैं तो फोरहेड सेलेक्ट करके आपको बच्चे के फोरहेड पर ये लगाना है, और कुछ ही सेकेंड्स में ये जो है आपको बच्चे का टेम्परेचर बता देता है। बस ये इतना ही आसान है। ये वाले जो थर्मामीटर होते हैं ये नॉर्मल थर्मामीटर से थोड़े एक्सपेंसिव जरूर होते हैं, लेकिन यूज करने में ये जो है काफी आसान होते हैं और आपके लिए काफी कन्वीनियंट होते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि आप चाहे तो कर सकते हैं। ये थर्मामीटर भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किया है और इसका प्राइस डिटेल भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। अब अगला तरीका है जो फीवर चेक करने का, वो है कान के जरिए फीवर चेक करने का। तो ईयर के लिए अलग से भी थर्मामीटर्स आते हैं मार्केट में, लेकिन ये जो बेबी हग का 3-in-1 इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आप ईयर की रीडिंग भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये बच्चे के कान में आपको हल्का सा अंदर लगाना है और इससे जो है आप बच्चे का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। कान के जरिए यूजली 100.4 या उससे ऊपर अगर टेम्परेचर आ रहा है तो इसको आप फीवर कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो थर्मामीटर है बेबी हग का, इसके साथ एक और चीज है कि इसमें कान की हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रोब कवर्स भी दिए हुए हैं, तो इसके साथ इसको लगा के आप बच्चे का जो ईयर का टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बच्चे की मिल्क बॉटल का भी टेम्परेचर लेना है तो उस पर बॉटल पर लगाकर आप टेम्परेचर ले सकते हैं। इसके लिए आप फोरहेड वाली जो अटैचमेंट है वो आप यूज करिए। अब अगला और जो सबसे आखिरी तरीका है बच्चों में फीवर चेक करने का, वो है रेक्टल के थ्रू टेम्परेचर चेक करने का। ये जो तरीका है ये छोटे बेबीज के लिए ज्यादा जो है रेकमेंडेड होता है, और ये जो रेक्टल के थ्रू जो टेम्परेचर लेते हैं वो वन ऑफ द एक्यूरेट तरीका होता है टेम्परेचर को चेक करने का। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के रेक्टम ओपनिंग से जो है वहां से फीवर चेक किया जाता है, यानी कि जहां से बच्चा पॉटी करता है उस जगह से जो है बच्चे का फीवर यहाँ पे चेक किया जाता है। इसके लिए जो है आप डिजिटल थर्मामीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है उसकी जो टिप है वो काफी फ्लेक्सिबल हो। कांच का थर्मामीटर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इनफैक्ट बच्चे के लिए जब भी आप टेम्परेचर चेक करें, प्लीज कांच के थर्मामीटर आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप डिजिटल थर्मामीटर या फिर ये जो दूसरा थर्मामीटर है इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट वाला, ऐसे थर्मामीटर से ही बच्चे का टेम्परेचर आप चेक करिए। तो रेक्टल के थ्रू टेम्परेचर चेक करने के लिए आप बेबी को उल्टा
पलटा सकते हैं, और बम को थोड़ा सा साइड करके रेक्टल ओपनिंग में आपको जो है जो थर्मामीटर है उसको डालना है, और बहुत ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना होता है, हाफ इंच आधा इंच इंसर्ट करना होता है, और 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए आप 1 इंच तक इंसर्ट कर सकते हैं थर्मामीटर को। थर्मामीटर जब आप अंदर डालेंगे तो उससे पहले आप थर्मामीटर को लुब्रिकेट कर लीजिए वैसलीन लगाकर, उसके बाद ही थर्मामीटर आप अंदर डालिए, बहुत ज़्यादा अंदर आपको नहीं डालना है। रेक्टल के थ्रू अगर बच्चे का टेम्परेचर 100.4 या उससे ऊपर आ रहा है तो बच्चे का फीवर आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जो तरीका है बच्चे का फीवर चेक करने का, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, स्पेशली मैंने नहीं देखा है लोगों को ये तरीका यूज़ करते हुए। हो सकता है क्योंकि लोग ये तरीके को यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आपको 1% भी डाउट है और आपको लग रहा है कि आप ऐसे फीवर नहीं चेक कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके से फीवर चेक ना करें। आप जो हैं बाकी तरीके मैंने आपको बताए हैं उस तरीके से आप बच्चे का फीवर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीका है जो बेबीज़ के लिए यूज़ होता है फीवर चेक करने के लिए, इसीलिए मैं आपको ये भी बता रही हूँ। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप ध्यान दें कि जो बच्चे का आप टेम्परेचर ले रहे हैं वो एक्यूरेट हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने बच्चे को नहलाया है तो कम से कम आपको 15 मिनट वेट करना चाहिए टेम्परेचर चेक करने से पहले। इसके बाद अगर बच्चे ने कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म कुछ खाया है तो आप कम से कम आधा घंटा रुकिए और उसके बाद बच्चे का फीवर आप चेक करिए। इसके अलावा अगर आपने बच्चे को बहुत टाइटली किसी कपड़े में रैप किया हुआ है या बच्चे को बहुत ज़्यादा आपने कपड़े पहनाए हुए हैं जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी जो है वो गर्म हो रही है, तो आप थोड़े से बच्चे के कपड़े लूज कर दीजिए, बॉडी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद फीवर चेक कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो आप टेम्परेचर चेक करेंगे वो आपको सही रिजल्ट्स देगा। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिन पे आपको ध्यान देना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस भी तरीके से बच्चे का फीवर चेक कर रहे हैं वो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए। जब आप भी टेम्परेचर बताएंगे डॉक्टर को तो आप बताइए कि मैंने ये ओरली लिया है या मैंने ये आर्मपिट के थ्रू लिया है, जो भी तरीका है वो तरीका आप ज़रूर बताइए टेम्परेचर के साथ। इसके बाद अगर आप बच्चे का टेम्परेचर मुँह से ले रहे हैं या फिर रेक्टल वे यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर लेने का, दोनों ही तरीकों में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का थर्मामीटर आप अलग रखें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। जो ये थर्मामीटर है वो आप बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, और हर बार जब भी आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से पहले भी इसको आप अच्छे से वॉश करिए, और वापस स्टोर करने से पहले भी अच्छे से क्लीन करके आप थर्मामीटर को वापस रखिए। तो अब बात करते हैं कि अगर बच्चे को फीवर है तो आप किन सब चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं, कैसे बच्चे को जो है आप थोड़ा आराम दे सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे को आपको हाइड्रेटेड रखना है। अगर बच्चा छोटा है और आपका ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है फीड लेता रहे, ट्राई करते रहिए कि बच्चे को आप फीड थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे में अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा भी दूध ले रहा है तो आप छोटे छोटे इंटरवल में थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को ऑफर करते रहिए दूध, ताकि जो हाइड्रेशन है वो बच्चे की बनी रहे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 6 महीने से ऊपर का है और ऊपर की चीज़ें ले रहा है, तो ऐसे में आप बच्चे को वार्म लिक्विड्स दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी भी ऑफर करते रहें, जिससे कि बच्चे का जो हाइड्रेशन लेवल है वो बना रहे। इसके बाद अगला टिप ये है कि अगर आपको बच्चे का जो फीवर है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ भी दे सकते हैं। स्पॉन्ज बाथ जो है वो आप गुनगुने पानी से दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करना आप अवॉइड करिए, ऐसे में बच्चे को ठंड भी लग सकती है। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि स्पॉन्ज बाथ देते वक्त आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, जल्दी से स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए बच्चे को, ताकि जो है बच्चे को ठंड ना लगे, स्पेशली ठंडे मौसम में। ऐसे में एक और टिप है कि आप सारे कपड़े बच्चे के एक साथ ना उतारें, जैसे पहले सिर्फ पजामा उतार दीजिए और वहाँ स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए, उसके बाद पजामा वापस पहना दीजिए बच्चे को अच्छे से पोंछ कर, और उसके बाद जो है फिर आप अपर जो है बच्चे का उतार के स्पॉन्ज बाथ दे के उसे कपड़े पहना दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, सारे कपड़े एक साथ नहीं हटेंगे और ठंड लगने के चांसेस भी जो है वो कम रहेंगे। इसके बाद अगला टिप ये है कि आप बच्चे को लाइट कपड़े पहनाएं और बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग ना करें बच्चे की, क्योंकि ऐसे में वैसे ही बच्चे की बॉडी बड़ी हीटेड होती है, तो अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देंगे, स्पेशली सर्दियों में भी क्या होता है एकदम ब्लैंकेट मोटे मोटे स्वेटर की इतनी लेयर्स, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएंगे, जिससे और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कम्फर्टेबल कपड़े आप बच्चे को पहनाएं और उतनी लेयर पहनाएं जिसमें बच्चा कम्फर्टेबल है, ना उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है,
ओवर लेयरिंग एंड ओवर हीटिंग को जो है वो आप अवॉइड करिए। इसके बाद फीवर को कम करने के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर यूजुअली पैरासिटामोल जो है वो रिकमेंड करते हैं ड्रॉप्स, लेकिन जो डोजेज है और कब देनी है ये आप डॉक्टर से ही ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये जो दवाई की डोजेज होती है ये बच्चे के वेट पे डिपेंड करती है और बच्चे की एज पे डिपेंड करती है। हर बार वेट और एज के बेसिस पे जो डोजेज है वो बदलती जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर बात करके आप बच्चे को मेडिकेशन दीजिए। इसके बाद अगला टिप यही है कि आप जो है ट्राई करें कि बच्चा अच्छे से रेस्ट करें। लाइट एक्टिविटीज़ में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा एक्सर्जन वाले जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चा अवॉइड करें और ऐसे टाइम पे घर पर ही रहें और बच्चे को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या वो सिग्नल्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि डॉक्टर को आपको इमीडिएटली दिखाना है। तो पहला सिग्नल तो ये है कि अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और बच्चे को फीवर है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। अपने आप से कोई मेडिकेशन नहीं देनी है, ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा अगर बच्चे का फीवर बढ़ता ही जा रहा है और कम नहीं हो रहा है दवाई देने के बाद भी, जो डॉक्टर ने पहले आपको पैरासिटामोल रेकमेंड करी होगी वो देने के बाद भी अगर फीवर कम नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। और अगर फीवर 102 या उससे ऊपर जा रहा है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी है। इसके अलावा अगर बच्चे को सांस लेने में जो है मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, डायरिया हो रहा है, या स्किन पर आपको दिख रहा है कहीं रैशेज हो रहे हैं बच्चे के, या फिर बच्चे को बड़ी कपकपी से महसूस हो रही है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चे को, इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, कंटिन्यूसली रोए जा रहा है, आपको दिख रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या फिर आपको बच्चे में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि मुंह सूखा सूखा है, होंठ सूखे हैं बच्चे के, आंसू बच्चे के नहीं आ रहे हैं, या फिर बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा है, 7-8 घंटे हो गए हैं बच्चे ने यूरिन ही नहीं किया है, या फिर अगर बच्चा यूरिन कर भी रहा है तो बहुत डार्क कलर येलोइश यूरिन आ रहा है, तो ऐसे में भी आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी बच्चों में होने वाली बुखार की और क्या सही तरीके हैं जिससे कि आप बच्चे का बुखार चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।